आईपीएल 2021 में आज का दिन डबल हेडर का दिन था। इस दिन आईपीएल को प्लेऑफ की तीसरी टीम मिल गई। दिन के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 6 रनों से मात देकर प्लेऑफ का टिकट कटाया। उससे पहले चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल्स टीम प्लेऑफ में पहुंच चुकी हैं। वहीं दिन के दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का मुकाबला हुआ, जिसमें कोलकाता ने जीत हासिल करते हुए प्लेऑफ की संभावनाओं को बरकरार रखा है। दो मैचों के बाद अंक तालिका में बदलाव नहीं हुआ है। बेंगलोर तीसरे स्थान पर है तो वहीं कोलकाता चौथे पर ही बनी हुई है। पंजाब की टीम पांचवें पर है तो वहीं हैदराबाद की टीम आठवें नंबर पर ही है। दोस्तों, पूरा पॉइंट्स टेबल कुछ इस प्रकार है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप देख सकते हैं कौन सी टीम किस स्थान पर है, किसने कितने मैच जीते हैं और किसके खाते में कितने अंक हैं, और कौन सी टीमें अभी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। दोस्तों, पूरा पॉइंट्स टेबल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आईपीएल के हर सीजन में पॉइंट्स टेबल की अहम भूमिका होती है। कौन सी टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी, यह अंक तालिका में लिखे नंबरों से पता चलता है। रन रेट और जीत हार के बाद टीम के खाते में अंकित अंक जुड़े, यह सब आपको पॉइंट टेबल में मालूम चल जाएगा। पॉइंट टेबल की टॉप 4 टीमें ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करती हैं। दोस्तों, फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में जगह बना पाती हैं और इस बार का आईपीएल खिताब कौन सी टीम जीत पाती है, यह देखने वाली बात होगी। आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि इस बार का आईपीएल खिताब कौन सी टीम जीतेगी और आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन है, इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। क्रिकेट की अन्य तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।